हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत आसान तरीके से बनने वाली आलू मटर की चटनी वाली सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत आसान है और हर कोई बना लेगा। और ये कुकर में झटपट से बन जाती है। आप नाश्ते में ब्रेकफास्ट के टाइम आप इसे अक्सर बना सकते हैं, रोटी पराठे से सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी। तो जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वीडियो के स्किप ना करें, फुल वीडियो में बने रहें। चलिए बनाते हैं। आलू मटर की चटनी वाली सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ की आलू को कटिंग कर ली हूँ। देखें, ये फ्रेंच फ्राई जैसे हम कटिंग करते हैं आलू, उसी तरह से कटिंग की हूँ। इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी कटिंग कर दी हूँ। दोनों मिक्स हो चुका है इसलिए सब पता नहीं चल रहा है, बट प्याज है एक। और यहाँ मैं ली हूँ ग्रीन मटर, जिसे मैंने छील ली हूँ और अच्छे से वॉश कर ली हूँ। एक टमाटर मैंने कटिंग कर ली हूँ, ये मैंने किसी भी शेप में कटिंग कर ली हूँ। यहाँ है धनिया पत्ती, जिसे बारीक बारीक सी कटिंग कर ली हूँ। और ये है अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची जिसको मैंने दरदरा से पीस ली हूँ। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, हेल्दी बनती है। यहाँ मैंने गैस पे कुकर गरम कर लिया है। कुकर में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट जल्दी हो, सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम ना लगे, टिफ़िन देना है, तो आप फटाफट सा कुकर में जल्दी जल्दी बना सकते हैं ये सब्ज़ी। तो कुकर अच्छे से गरम है, इसमें मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी, मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल से क्या है ना, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, सब्ज़ी हो, मछली हो, गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, और ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैंने एक चुटकी ले ली हूँ मेथी। तो ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म है तो मैं मेथी दाना ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से चटकने दूँगी, कलर आने दूँगी ब्राउन सा। तो यहाँ मेथी दाना चटक चुका है, उसकी कलर आ चुकी है, तो यहाँ क्या करेंगे, जो चटनी है उसे ऐड कर देंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, स्वाद अनुसार। सब्जी में एक अच्छी सी कलर है उसके लिए धनिया पर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, सॉरी धनिया निकल गया था मुझसे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए भून लेंगे, अच्छा से भून लेंगे कि हमारा जो मसाला, ये चटनी वाली है ना, ये अच्छे से भून जाए और ये जो टमाटर हमारा है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए मसाले भून चुके हैं, जो चटनी है। अब इसमें मटर ऐड करेंगे, आलू ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मटर ऐड करेंगे और मटर को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, भून लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, प्लीज़ वीडियो देखते ही ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ मटर को भी भूनकर 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, तो मैं यहाँ आलू भी ऐड कर दूँगी। प्याज इसलिए कटिंग करना है कि इससे क्या है, सब्ज़ी जो हमारी है ना वो लसोड़ टाइप की बनती है, मतलब इसमें लस रहती है, अच्छी लगती है सब्ज़ी। आपको स्किप करना हो तो कर सकते हैं, बट डालना हो तो आप डाल भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी सब्ज़ी और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी सब्ज़ी। आप इसको पराठे के साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी है, रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी। थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर दें तो इससे क्या है और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी रख लीजिए गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी इसमें डाल लें और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख लें ऊपर से। सब्जी को 1 से 2 मिनट इसी तरह चलाते हुए भून लीजिए। अब इसमें पानी ऐड करेंगे 2 मिनट भूनने के बाद। इससे क्या है हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से कुक हो जाएगी और इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी भी रहेगी।
बिल्कुल सूखी सब्जी ये नहीं बनेगी, हल्की ग्रेवी वाली ही बनेगी, हल्की हल्की सी ग्रेवी रहेगी इसमें। अब यहाँ इसका लिड लगा देंगे और एक सीटी आने का वेट करेंगे। एक सीटी के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्रेशर निकलने के बाद सब्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें सब्जी का प्रेशर निकल चुका है और मैंने इसे ओपन कर ली हूँ। देख सकते हैं सब्जी हमारी बिल्कुल ही रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आसान सी सब्ज़ी की रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना है और बहुत अच्छा से ये कुक भी हो चुका है, आप देख सकते हैं। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है, आप जब बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी वीडियो को आगे शेयर करिएगा। जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए। फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।